आज हम हैं राम मेहर मलिक जी के साथ, जो कि फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जो हमेशा समाज के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे कि देखने में आता है हर बहुत से राजनेता फौजियों पर राजनीति करते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है? ये बहुत गलत है सीता। फौजियों के ऊपर राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फौजी किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, या किसी नेता या पार्टी का नहीं है। फौजी पूरे देश का होता है, और फौजी यानी कि पूरा देश सुरक्षित है इस सैनिक के ऊपर। सैनिक सरहद पर तैनात है तो देश सुरक्षित है, देश के सारे कारखाने चल रहे हैं, देश के सारे व्यापार चल रहे हैं। और एक दुर्भाग्य की बात है, बहुत बहुत दुखद बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैनिक के ऊपर इतनी गंदी इनकी सियासत रही है सभी दलों की पिछले 72 साल में। आज तक सैनिक को इन्होंने कोई मान सम्मान जो उसका जिसका वो हकदार है वो कभी नहीं दिया। अब लगा लीजिए, सैनिक जब बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है वो अपने परिवार को भूल जाता है, अपने घरवार को भूल जाता है। जिस वक्त वो वहाँ खड़ा है, दुश्मन की गोली और सैनिक की छाती यानी हमारी छाती के बीच में मुश्किल से 50 कदम का फासला होता है, और उस वक्त अगर जैसे कोई नॉर्मल आदमी होगा डगमगा जाएगा तो आप बताइए क्या हाल होगा। सैनिक कभी डगमगाता नहीं, वो यही कहेगा कि या तो मैं तुम्हें मारूंगा या मैं अपने सीने में गोली खा लूंगा, लेकिन मैं अपने देशवासियों तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और वाकई सैनिक नहीं जाने देता है। और ये इतना देखने में आया सरिता, आप देखिए इस देश का माहौल है, एक क्रिकेट में छक्का लगा दो उसको 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, लेकिन सैनिक जो देश की सेवा करते करते, देश की रक्षा करते करते, मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो जाता है, उसको देने के लिए इनके पास खजाने खाली हो जाते हैं 2 लाख 4 लाख। और उसकी भी मैं आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिकल जो मैंने देखा है, हम मथुरा साइड में और इधर लखनऊ साइड में यूपी में भी कई जगह हम शहीदों के परिवारों के पास जाकर के मिले हैं, उनके दुख दर्द हमने साझा किए हैं। और बहुत तकलीफ हुई जब ये पता चला कि 3-3 साल से उनके घर वाले शहीद हो गए हैं, और उनको जो ग्रांट सरकार ने दिया, एक तो देते ही बड़ी कंजूसी से, और जो दिया वो भी 3 साल तक उनको मिला नहीं है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा। यानी 72 साल में आज तक सेना को इन्होंने हमेशा नीचे गिराया है। आपको ध्यान होगा जब हम आज़ाद हुए थे तो सैनिक को जो पेंशन मिलती थी उसकी आखिरी सैलरी का 70% मिलती थी, और इन राजनेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर के, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का 24 घंटे इनके साथ रहना है, सरकार का कोई भी सरकार आए ब्यूरोक्रेट तो वहीं रहते हैं, इन्होंने सरकार के साथ धांधले से धांधली करके जो सैनिकों को 70% मिलती थी और ब्यूरोक्रेट्स को आखिरी सैलरी का 33% मिलता था, उसको अपने को बढ़ा दिया और सैनिक का घटा के दोनों को 50% कर दिया। ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इसके ऊपर हमने एक बहुत बड़ा सवाल किया था, हमने पूछा था कि ये या तो अब आपने सैनिक की घटा दी है तो हमें ये बता दीजिए क्या सैनिक की सेवा शर्तों में कोई आपने ढिलाई दी है, क्या क्या उनकी सेवा शर्तें पहले से आसान हो गई हैं, तो क्या लॉजिक है इनकी जो पेंशन कम की गई, या हमें ये बताइए क्या ब्यूरोक्रेट्स की सेवा शर्तें बहुत गंभीर हो गई हैं क्या, जो उनकी तनख्वाह पेंशन आपने 33 से बढ़ा करके 50 कर दी। और फिर आप एक बात देखिए, ब्यूरोक्रेट सुबह घर से नाश्ता करके जाएगा, परिवार से मिल करके दोपहर का लंच घर से ले जाएगा, शाम का डिनर आकर परिवार के साथ करेगा, क्या सैनिक के साथ ऐसा है? सैनिक को 1-1 साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है अपने परिवार को देखे हुए, बहुत दुखद है। क्या उसको परिवार की याद नहीं आती? क्या उसका कोई दिल ये नहीं करता कि भाई मैं भी तुरंत मिलूं? फिर उनकी सेवा शर्तें और इनकी सेवा शर्तें कहाँ से एक जैसी हैं, तो कैसे इन्होंने पेंशन एक जैसा? तो ये सिर्फ एक ही बात है सरिता कि इन्होंने ओछी राजनीति करनी है, छोटी सोच है इनकी, ये कभी भी सैनिक को, और जो सरकार सैनिक को मान सम्मान नहीं देती है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। इन्होंने कभी जवान की कभी कदर नहीं की, और जवान कौन है? किसान का बेटा है, कभी किसान की कदर नहीं की। आज जो देश की रीढ़ की हड्डी है यानी किसान के साथ मजदूर और गरीब ये सब जुड़े हुए हैं, तो वो किसान में सारे आ जाते हैं। किसान और जवान दोनों देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसान सबको रोटी खिलाता है और सैनिक सबकी रक्षा करता है, बॉर्डर के ऊपर रक्षा करता है, और ये दोनों ना हो तो देश का क्या हाल होगा आप देखिए, देश बर्बाद हो जाएगा। और तो अब ये देख करके, इनकी हरकतों को देख करके, अब जैसे आपने देखा होगा एक रैंक एक पेंशन 45-46 साल से किसी उस वक्त की सरकार ने इनसे छीन लिया था, ये हक इनको मिल रहा था इनसे छीन लिया गया। जब छीनने के बाद में जब हम लोगों ने थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ी
तो ये लड़ते लड़ते आखिरी में ये पिछली जो सरकार थी इन्होंने सीना तान के ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनवाइए, हम 100 दिन में आपको ये देंगे। और इनकी जो सरकार बनी है उसमें सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। 7.5 लाख सैनिक थे जो इनकी पहली रैली रेवाड़ी में हुई थी, तो हमने इनका भरपूर साथ दिया है। और उसके बाद ये अपने वादे को भूल गए, सरकार तो बन गई इनकी, लेकिन वो 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन तक भी इनको अपना वायदा याद नहीं आया। 400 दिन के बाद हमने कोशिश किया इनको याद दिलाने का, इनको चिट्ठियां लिखी हैं, कोई असर नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। आखिरी में 14 जून 2015 को सैनिकों ने जंतर मंतर के ऊपर एक बहुत बड़ी रैली की थी, और उस रैली में भी हमने सरकार को चेताया था कि आज रात 12 बजे तक अगर आप हमारी जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करें तो हम बैठ जाएंगे चुपचाप, वरना कल सुबह से अनिश्चितकालीन हम भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार ने, जैसा कि इनका स्वभाव था, कोई जरूरत नहीं समझी, कोई जवाब देने का, कोई इन्होंने बिल्कुल जरा सी भी परवाह नहीं की। और 15 जून 2015 से सैनिक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। वो अब वहाँ से कुछ दिन पहले ग्रीन ट्राइब्यूनल का बहाना लगा के सरकार ने उनको उठा दिया, लेकिन आज भी वो जंतर मंतर पर आते हैं, 1-1.5 घंटा वहाँ बैठते हैं आज भी, यानी कि वो अनशन जारी है। और एक रैंक एक पेंशन इस सरकार ने दिया जरूर है, मगर उसको लंगड़ी करके उसकी टांग काट दिया, जो जो दो दो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था वो इन्होंने नहीं दिया है। तो ये बहुत दुखद है सरिता, बहुत दुखद है। देश के अंदर सैनिक के ऊपर राजनीति करना, मैं समझता हूँ ये सिवाय वोट बैंक की ओछी राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत दुखद है, इनको तुरंत ये अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता ये बदलेंगे। अब इसमें हमें एक ही रास्ता नजर आया है, क्योंकि हमने यही देख करके फौजी जनता पार्टी बनाई है, क्योंकि अगर हम सरहद के ऊपर रक्षा देश की कर सकते हैं तो पार्लियामेंट की रक्षा करने में, इस देश की रक्षा करने में क्या दिक्कत है? पहले हम बाहर से रक्षा करते थे, अब हम अंदर से देश की रक्षा करेंगे। हम ईमानदार और डेडिकेटेड लोगों को, चरित्रशील लोगों को चुन करके भेजेंगे, और जब सैनिक वहां से ले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव से काम नहीं होगा, कोई जाति की राजनीति होगी, कोई धर्म की राजनीति नहीं होगी, किसी भी टाइप का वहां पर। और ये जो इतना भारी खर्चे, गुंडा बदमाश, ये बंदवासी, ये जब चल रहे हैं ये सब हम बंद कर देंगे, सैनिक इन चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगली सरकार जो बनेगी वो उसका प्रधानमंत्री फौजी होगा, वो सरकार फौजियों की होगी, ये मैं आपको आज बता सकता हूँ दावे के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।